प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश हमारी चंगाइयों से रिलेटेड है। बहुत से लोग तुरंत चंगाई पा जाते हैं, बहुत से लोगों को बहुत दिन बीत जाते हैं, महीनों वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन चंगाई नहीं मिलती। बहुत से लोगों के सर पर हाथ रख के प्रार्थना की जाती है, वो चंगाई पा जाते हैं। बहुत से लोगों को फ़ोन पर प्रार्थना की जाती है, चाहे वो अमेरिका में बैठे हों, लंदन में बैठे हों, कनाडा में बैठे हों, चाहे वो इंडिया में किसी भी जगह हों, फ़ोन पर प्रार्थना होती है और वो चंगाई पा जाते हैं। बहुत से लोगों को सर पर हाथ रख के प्रार्थना की जाती है, वो तब भी चंगाई नहीं पाते। क्या कारण है इन बातों का? आज इन बातों पर हम गौर करेंगे। अगर आपके जीवन में चंगाई नहीं है तो आप इस संदेश को ज़रूर सुनिए, और अगर आप चंगाई पा भी चुके हैं तब भी आपके लिए ये संदेश बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि नीनवे जो शहर था जहाँ पर योना को परमेश्वर ने भेजा था, उसकी आबादी कितनी थी, कितने लोग थे उस शहर में? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आज के सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और मैं विनती करता हूँ प्रभु जी आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य ही मेरी तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। परमपिता परमेश्वर, हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन प्रभु जी, नशा, बेरोजगारी, कर्जे दूर कर दे मेरे प्रभु जी, बीमारियाँ दूर कर प्रभु जी, और जो लोग रूठ के घर से चले गए हैं या खो गए हैं, उन्हें वापस घर फेर कर ला, ताकि तेरे बच्चों के घरों में आनंद मनाया जा सके। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग डिप्रेशन में हैं, उनके डिप्रेशन को ख़त्म कर प्रभु जी। जिनके कारोबार ठप हो गए हैं, जिनके दुकानें बंद हो गई हैं, काम बंद हो गए हैं प्रभु जी, उनको नया रोजगार दे। उनके रोजगार का प्रभु जी तो बंदोबस्त करता कि वो अपनी जीविका को चला सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि परमेश्वर हमारी हर एक गतिविधि को या एक्टिविटीज़ को जानता है। हम क्या थे, हम क्या हैं और हम क्या होंगे, तीनों बातें परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। हमारा भूत, भविष्य और हमारा वर्तमान परमेश्वर की दृष्टि में है। वो सब कुछ जानता है कि हम क्या करते आए हैं पीछे बीते दिनों में, हम इस समय क्या कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में हम क्या करेंगे। सारी बातें परमेश्वर के सामने बेपर्दा हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का ये वचन है कि परमेश्वर जानता है कि चंगाई पाने के बाद हमारा जीवन कैसा होगा। अगर चंगाई पाने के बाद हम फिर से उसी जीवन में चले जाते हैं, फिर से वही काम करने लगते हैं, फिर से हम संसारिक हो जाते हैं, फिर से हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं, तब हम एक ऐसी दुविधा में, परेशानियों में पड़ जाते हैं जिससे परमेश्वर नाराज होता है। कई बार परमेश्वर इसी वजह से भी हमें चंगाई नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि चंगाई पाने के बाद हम परमेश्वर को तो याद ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने कामों में लग जाएंगे। बस मतलब के लिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं कि बस किसी तरह से चंगाई मिल जाए, किसी तरह से प्रॉब्लम दूर हो जाए, किसी तरह से हमारी चिंताएँ दूर हो जाएँ, और जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, काम हो जाते हैं, तो उसके बाद हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कौन है। तो ये सबसे बड़ी वजह है चंगाई ना मिलने की। लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, उनको वर्षों हो जाते हैं हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हुए, चंगाई नहीं पाते। और बहुत सी जगह क्या होता है कि फ़ोन पर प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना के द्वारा मरीज चंगा हो जाता है। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ अपनी। हाँ, व्हाट्सएप पर मेरे बेटे का एक ग्रुप में था, तो उसमें किसी ने एक मैसेज डाला कि मेरे पापा को कैंसर है ना, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। तो मेरे बेटे ने मेरे को बताया कि पापा ऐसे ऐसे एक भाई है उड़ीसा में, तो उनके पापा बीमार हैं, आप प्रार्थना कर दो उनके लिए। मैंने कहा उनको मेरा नंबर दे दो और वो मुझे कॉल करेंगे, मैं प्रार्थना करूँगा।
तो मेरे बेटे ने उनको नंबर दे दिया और उन्होंने मुझे जब कॉल किया तो मैंने प्रार्थना की, वो भाई हॉस्पिटल में थे उनके पापा, और मैंने प्रार्थना की उनके लिए। मैंने प्रभु से मांगा कि प्रभु सारी गलती गुनाह क्षमा करो, उनको चंगाई दे। और उसके बाद प्रार्थना करके मैं भूल गया। कुछ दिनों बाद उन भाई का, उनके बेटे का फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने बताया कि पापा आप बिल्कुल ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। कितने आनंद की बात है। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, बल्कि उन्होंने मुझसे कांटेक्ट बनाए रखा और प्रार्थनाएं करवाते रहे, बातचीत करते रहे, और आज भी वो मेरे संपर्क में हैं और एक सभा कराना चाहते हैं उड़ीसा में, ताकि मैं वहाँ पर जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करूँ। वो समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह से परमेश्वर दूर से भी, फोन पर भी प्रार्थना को सुन लेता है। जरूरी नहीं कि हाथ रख के प्रार्थना की जाए, जरूरी नहीं है। लोग सोचते हैं कि हाथ रख के प्रार्थना की जाएगी तभी हमें चंगाई मिलेगी। जैसे नमान कोड़ी ने सोचा कि एलिशा मेरे ऊपर हाथ रख के मेरे प्रार्थना करेगा तो मैं चंगाई पा जाऊंगा। लेकिन लोगों ने कहा, जब उसने कहा ऐसा करके तो देख, जाके डुबकी तो मार, और जब उसने डुबकी मारी तो उसका सारा कोढ़ जाता रहा। तो ऐसे ही परमेश्वर चंगाई देता है। लेकिन परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को जानता है, परमेश्वर हमारे दिमाग को पढ़ता है, परमेश्वर हमारी हर एक एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है, हमारी गतिविधियों पर नज़र रखता है कि हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या और क्या करना चाहते हैं हम चंगाई पाने के बाद। इसीलिए हमें चंगाई नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर चंगाई पाने के बाद की परिस्थिति को जानता है। तो सवाल ये उठता है कि हम करें क्या। मैं आपको दो उदाहरण दूंगा बाइबल से, ज़्यादा है उदाहरण। आपको मिलता है कोई ऐसा उदाहरण तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि बहुत से लोग जो कमेंट्स पढ़ते हैं वो जान जाए कि हाँ ये बात सच है। चंगाई पाने के बाद करना क्या चाहिए, आइए सबसे पहले का उदाहरण देखेंगे। मरकुस रचित सुषमाचार 10 अध्याय और उसके 52 पद पे, जहाँ पर एक अंधा भिखारी है बर्तुलमय, वो सड़क के किनारे बैठा है और यीशु मसीह जब वहाँ से गुजरते हैं तो वो पुकार कर कहता है, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और लोग उसे डांटते हैं, लेकिन वो दोबारा पुकारता है और फिर यीशु मसीह कहते हैं उसे बुलाओ। और जब वो यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ। उसने कहा यही कि मैं देखने लगूँ। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वो चंगाई पा जाता है। उसके बाद क्या करता है वो, देखिए चंगाई पाना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है चंगाई पाने के बाद हम क्या कर रहे हैं। आइए देखते हैं उसने किया क्या चंगाई पाने के बाद। मरकुस रचित सुषमाचार 10 अध्याय उसका 52 पद, यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये चाहता है प्रभु, चंगाई पाने के बाद हम मार्ग में उसके पीछे हो लें। ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के उसके पीछे लें, नहीं, हमें उसे स्मरण रखना है, हमें वचन पढ़ना है, प्रार्थनाएं करनी है और परमेश्वर की स्तुति करते रहना है। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो हमारी तरह बीमार हैं, जैसे हम बीमार थे, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू करनी चाहिए। ये व्यक्ति अंधा था और जन्म का अंधा था, ये इसे यीशु मसीह ने चंगाई दे दी और ये यीशु मसीह के साथ क्या हो गया, पीछे पीछे यीशु मसीह के चलने लगा। ऐसे ही मत्ती रचित सुषमाचार है उसका 20 अध्याय उसके 34 पद में भी जब हम देखें तो यहां पर क्या लिखा है, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई। दो व्यक्तियों का जिक्र है यहां पर, यहां पर भी ये दो अंधे व्यक्ति थे। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। यही चाहता है प्रभु कि जब हम चंगाई पा लें तो हम उसके पीछे चलने लगें, हम उसके वचन पर मनन करें, हम संगति में बने रहें, परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, इसीलिए चंगाई नहीं मिलती हमें, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि चंगाई पाने के बाद क्या करेंगे, फिर से उसी उन्हीं कामों में लग जाएंगे। एक व्यक्ति था जिसके अंदर बहुत सारी दुष्टात्माएं थी, पर प्रभु ने उसे भी चंगाई दी, वो भी यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में, तो हम उन उदाहरणों को पेश कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि चंगाई पाने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। मुझे भी चंगाई दी प्रभु ने, मैं भी एक तरह से मर चुका था, मुझे जीवित किया प्रभु ने। आपने पढ़ा होगा मेरे टाइमलाइन में सबसे ऊपर एक वीडियो है कि प्रभु ने मुझे जीवित किया, आप उसे ज़रूर देखिए, वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। मुझे जीवित किया प्रभु ने और मैं उसके पीछे चलने लगा। हम जब प्रभु के पीछे चलने लगते हैं तो प्रभु
हमारे जीवन में और भी बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि प्रभु ये जानता है कि इन्होंने चंगाई अगर पाली तो फिर ये करेंगे क्या, या तो संसारिक हो जाएंगे या अपने कामों में लग जाएंगे। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम एक आत्मिक और आध्यात्मिक और एक धार्मिक जीवन जिए चंगाई पाने के बाद। चंगाई पाने के बाद हमें करना क्या चाहिए, आइए यीशु मसीह ने क्या बताया है इसे देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ेंगे हम। यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र है 5 अध्याय में, जो 38 साल से बीमार था और सुलेमान का जो उसारा था वहाँ पर, जो कुंड था वहाँ पर वो पड़ा रहता था और पानी हिलने की आशा में पड़ा रहता था कि स्वर्गदूत आकर पानी हिलाते थे एक नियुक्त समय पर, और जो पहले उतर जाता था वो चंगाई पा जाता था। अब यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं और उससे पूछते हैं, तो चंगा होना चाहता है? उसने कहा मेरे पास कोई है ही नहीं जो मुझे उठाकर पानी में डाले। यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा और चल, फिर ये चंगा हो गया। यहाँ पर अब ये चर्च में यीशु मसीह को मिलता है। आइए देखेंगे 14 पद। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा देख तू तो चंगा हो गया है। यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं उससे चंगाई पाने के बाद, वो कह रहे देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर से पाप मत करना, इसका अर्थ क्या है? यानी कि बीमारी पाप के कारण हमारे जीवन में आती है, और चंगाई पाने के बाद अगर हम फिर से पाप में चले जाएंगे तो फिर उस बीमारी का दोबारा से हमारे पास आना लाजमी है, और वही नहीं और भी बड़ी बीमारियां उसके साथ हमारे जीवन में आएंगी, हमारे शरीर में आएंगी। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं कि देख तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि चंगाई पाने के बाद हम एक आध्यात्मिक, एक आत्मिक और एक धार्मिक जीवन जिएं, यीशु के पीछे चलें, उसके वचन पर मनन करें, उसकी आराधना स्तुति करें, उसको ऊंचा उठाएं और लोगों को जा जाकर बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस अद्भुत रीति से मुझे चंगा किया है, ताकि जो लोग उस बीमारी से या उस चिंता से, उस परेशानी से ग्रस्त हैं जो आपके ऊपर थी, उनका विश्वास बढ़ेगा और वो भी प्रार्थना करेंगे और प्रभु उन्हें भी चंगाई देगा। तो ये उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, तो आप भी कोई उदाहरण चुनिए और उसे कमेंट्स में लिख दीजिए और हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए, प्रभु मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करती हूँ कि मेरे जीवन से ऐसी सारी समस्याओं को दूर कर दे, मुझे भला चंगा कर, मुझे चंगाई दे, इन रोगों से मुझे छुटकारा दे, और मैं वायदा करता हूँ, मैं वायदा करती हूँ प्रभु कि चंगाई पाने के बाद मैं तेरे पीछे चलूँगा, मैं तेरे पीछे चलूँगी। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें कि चंगाई हमें क्यों नहीं मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि जो नीनवे जो शहर था जहाँ पर परमेश्वर ने योना को भेजा था, उसकी आबादी कितनी थी? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप दिल्ली में रहते हैं और कोई चर्च ढूंढ रहे हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको सही जगह पहुँचाऊँगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और चंगाई पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते रहिए और उससे वायदा कीजिए कि चंगाई पाने के बाद मैं तेरे पीछे चलूँगा, मैं तेरे पीछे चलूँगी। प्रेज द लॉर्ड।